हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे नए इलेक्ट्रिकल ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज संडे और अभी टाइम हुआ है 12:15। ये जो हमारा ब्लॉग है ये तो हम लोग डेली ब्लॉग में नहीं देता हूँ, क्योंकि जब किसी घर का नया काम होता है तो उसी दिन का मैं ब्लॉग देता हूँ आपको। तो चलिए, मैं जितना भी मेरा सामान है सारा सामान को मैंने पैकिंग कर लिया है और मैं निकल पड़ूंगा अपने दोस्त के घर, फिर वहाँ जाके आपसे फिर से मुलाकात होगी। तो चलिए, हमारे ब्लॉग में अब कंटिन्यू बने रहे ताकि वहाँ का पूरा व्यू आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा दोस्त के घर पहुँचूंगा और उससे मिलवाऊंगा, तो फाइनली मैं मेरा दोस्त के घर पहुँच चुका हूँ और आपसे मैं मिलवाता हूँ मेरे दोस्त से। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं बोल रहा था कि मेरा दोस्त से मिलवाऊंगा, जरा हाय बोल दे भाई, पब्लिक खुश हो जाएगा। बस चलो, हम लोग अभी निकलते हैं। ये माइकी रोड फायदा है रे। तो दोस्तों, हम लोग तो साइड साइड होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मेन रोड से जाते तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पड़ता। तो इधर पूरा एकदम खुला खुला होते हुए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग साइड साइड होते हुए जा रहे हैं। देखिए कौन सा स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आप लोग, डोमिरता स्टेशन। तो इस साइड साइड होते हुए हम लोग जा रहे हैं अपना काम साइड में। तो इस स्टेशन का बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। देखिए, रेस्टोरेंट में पूरा काम चल रहा है और पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, एकदम मस्त और स्पेशल बन जाएगा। तो हमारा मोबाइल में वीडियो का स्टेबलाइजेशन सिस्टम नहीं है, तो हिल रहा है, डोल रहा है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए कौन सा फाटक हम लोग साइड साइड में होते हुए आ रहे हैं, इसको अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और इससे पहला दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ था, मौसम ख़राब था, और उसके अगले दिन हम लोग वायरिंग का काम के लिए आ रहे हैं, जो कि मौसम बहुत ही अच्छा किया है और इतना अच्छा धूप निकला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडा बहुत पड़ चुका था। तो देखिए, इसमें खेती हुआ है, हरा भरा है, सरसों का खेती हुआ है और आलू फलू बहुत सारा क्या के लगाए हैं, तो अच्छा बात है, बहुत सारा खेती हुआ है। तो फाइनली हम लोग जो जिस रूट से अभी निकल रहे, देखिए पहुँच चुके, इधर से राउरकेला से आते हैं और इधर इस रूट से हम लोग आए थे और इधर हम लोग जाएंगे, मतलब बिसरा की तरफ जाएंगे। तो देखिए, मौसम तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैं फर्स्ट टाइम अपना वाइड एंगल कैमरा से शूट कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत ही अजीब सा फील लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारा चीज़ एकदम कैप्चर हो जा रहा है और एकदम वाइड, आप लोगों को पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन एकदम वाइड वाइड सा फील हो रहा है, चौड़ा सा पकड़ रहा है वीडियो। तो ये देखिए, यहाँ का फाटक तो बांध है, तो हम लोग को थोड़ा रुकना पड़ेगा और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो थपड़ी ठोकने वाला सब रहते हैं, तो चलिए उसको पार करके हम लोग पहुँच चुके हैं बिसरा। देखिए, ये तो बिसरा है और आज बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्योंकि संडे भी है और संडे में बिसरा में मार्केट बैठता है शायद, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ सा लग रहा है। तो जाते जाते आप सबको भी बिसरा का कुछ व्यू दिखा दे रहे हैं। देखिए भाई, संडे को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है और सब तरफ आपको दिखा दे रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना अच्छा जो वीडियो का क्वालिटी आ रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको पता नहीं कैसा दिखाई देगा, ये मैं बोल नहीं पाऊँगा। अगर वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वीडियो का क्वालिटी को इम्प्रूव करने की पूरा कोशिश करूँगा। देखिए, मैं पूरा अच्छे से दिखाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो लगभग हम लोग अभी बिसरा को क्रॉस करने वाले हैं और ये देखिए, ये पुल बहुत ही प्यारा लग रहा है, साइड साइड में ग्रीन कलर और जिस तरह से पार करके हम लोग जा रहे हैं चीरते हुए, वाह भाई, बहुत ही गजब का लग रहा है। तो चलिए, हम लोग आ चुके हैं ड्राई किला चौक, लेफ्ट साइड में देखिए इधर जाते हैं, तेतर किला ब्रिज है जो कि पिकनिक स्पॉट है, नामी दामी पिकनिक स्पॉट। और इसी ड्राई किला चौक से हम लोग जिस जगह पर काम जा रहे हैं यहाँ से ड्राई किला चौक से 1 किलोमीटर होगा लगभग। तो चलिए, हम लोग पहुँचते हैं। और भाई, बहुत ही प्यारा आज का दिन है, बहुत ही सुहाना, धूप एकदम तगड़ी निकली है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सारा चीज़ को हम लोग थोड़ा थोड़ा कैप्चर करके आपको दिखा रहे हैं भाई। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, ये जामुन का पेड़ एक यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, तो राइट साइड में हम लोग घुस रहे हैं।
घुसने के बाद में आपको फिर से आपसे मुलाकात होगा। तो हमारा वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और कुछ सलाह और सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये रहा इस घर में काम करेंगे हम लोग। तो दोस्तों जिस जगह पे हम लोग काम आए थे वहाँ पूरा फाइनली पहुँच चुके हैं, और यहाँ का घर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कितना बड़ा घर है। तो चलिए मैं अपना बैक कैमरा से आपको दिखाने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ, और इस घर हम लोग का जो काम होगा देखते हैं। मिस्त्री साहब अपना सरियोरा बांध के खत्म किए कि नहीं खत्म किए, अगर खत्म किए रहेंगे तो पूरा काम होगा, और खत्म नहीं किए तो काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए हमारा वीडियो इसी तरह बने रहिए, आपको दिखाते हैं पूरा कितना रूम है क्या है, और यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। अब देखते हैं कितना काम मिस्त्री साहब का खत्म हुआ है, अगर खत्म नहीं हुआ तो आपको पता है तो हम लोग का काम नहीं होगा। तो चलिए मैं अपना बैक कैमरा से दिखाने की आपको पूरा कोशिश करूंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए। तो दोस्तों देखिए ये वाला हम लोग का मेन गेट है फिलहाल के लिए, तो अभी मेन गेट ही बोल सकते हैं। ये वाला एक रूम है, ये वाला जो शटर है इसमें एक रूम है, और ये वाला शटर है इसमें भी एक रूम है। तो चलिए यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं। ये वाला हम लोग का फर्स्ट रूम है जिससे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला एक रूम है, और ये सेकेंड रूम है, और इधर से भी एक एंट्री गेट है लेकिन अभी अंदर से लॉक किया हुआ है। तो चलिए हम लोग घूम करके जाते हैं, तो पूरा ले जाएंगे आपको, यहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। आप लोग को दो रूम दिखा चुके थे, चलिए फिर से अब एक गेट में एंट्री कर रहे हैं, और ये वाला सीढ़ी वाला रूम है, इधर लेटरिंग बाथरूम है, और ये वाला बड़ा सा हॉल है, आप लोग देखिए हॉल पूरा कंप्लीट बन चुका है, यहाँ पे टीवी भी लगा है। ये वाला किचन रूम है, इधर किचन का सामान है, देखिए ये है, और इधर एक रूम है लेफ्ट साइड में, और इधर एक रूम है। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ सीधा सीढ़ी में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीढ़ियों में। तो ये रहा ऊपर का पूरा व्यू, आपको दिखा देते हैं कितना काम हुआ है यहाँ पर। सरिया बांधा बांधी चल रहा है लेकिन सरिया बांध के खत्म नहीं किए हैं, इधर का शायद कंप्लीट हुआ है, खत्म हो जाने करनी, इधर का कंप्लीट हो गया, इधर बांधना भी बाकी है, सरिया पूरा बांध के खत्म करेंगे उसके बाद हम लोग का काम होगा। तो देखिए बाहर से दिखा दे रहे हैं पूरा ऊपर से, तो देखिए बाहर से इस तरह कुछ व्यू दिखता है। इधर मेन रोड है और हम लोग मेन रोड के ठीक जस्ट ज्यादा नहीं 100 मीटर के अंदर घुसे हैं, और ये रहा मेरा दोस्त, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कुछ हाय बाय चलो ठीक है। ओले भी मिस्त्री कितना दिन में तोरे किसन बांधबा कलकत्ता में सांझे तक खत्म। तो चलिए अब मिस्त्री सब बोल रहे हैं कल तक बांध के खत्म कर देंगे बोल रहे हैं, देखते हैं अब कल तक अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर से हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि हम लोग का काम आज होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी सामान हम लोग लिखे थे सारा सामान हम लोग लेकर आ जाएंगे ताकि नेक्स्ट डे हम लोग जब काम करेंगे तो हम लोग को ज्यादा हड़बड़ी नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।